नमस्ते मलकिन। नमस्ते, कहाँ जा रही हो? ड्राई क्लीन करवाने जा रही हूँ। ठीक है। पति के बिना पत्नी का जीवन ऐसा होता है जैसे जल बिना सूखी नदी। गौरव, आपकी बहुत याद आती है। आपको मुझसे पिछड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 7 दिन पहले की बात हो। कितनी सुंदर हो, देखो तो लगता है कि बस देखते रहो। कभी काम पर भी ध्यान दिया करो। हमेशा औरतें ताड़ना अच्छी बात नहीं। वैसे भी मालकिन है तुम्हारी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ समझ आया? पकड़ो पकड़ो साले को, पकड़ो 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 साले को, पकड़ो 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 साले को, पकड़ो साले को। लगता है भाग गए साले, मिल जाते तो हाथ पैर तोड़ देते। हाँ, भाग गए साले। चलो हमने साले तुमको बोले थे मुखिया के घर में चोरी मत करो, पर तुम सुनते नहीं हो ना। अरे चोरी वही तो करेंगे जहाँ फैसला हो। किसान मजदूर के यहाँ थोड़ी मिलेगा। किसी सरपंच का या मुखिया टाइप का घर हो वही तो मिलेगा। अभी हाथ पैर टूट जाते ना, फिर इलाज के लिए पैसे कहां से आते? लगता है कौनो ऐसा घर खोजना पड़ेगा जहां रिस्क कम और पैसे ज्यादा हो। अरे अरे, कौन हो भाई? और ये छोला छापड़ लिए कहाँ घर में घुसे आ रहे हो? नौकरी के लिए आए हैं, और ये हमारा बैग है। कोनो झोला छापड़ा नहीं। अरे जब हम हैं यहाँ तो तुम्हारी क्या जरूरत? जाओ जाओ, यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है। इसको हम बुलाए हैं। हम तो है ना आपकी सेवा में। तुम्हारे लिए हमने कुछ और सोच रखा है। छबीली जी मालकिन, ये अजय हैं। आज से ये यहीं रहेंगे हमारे साथ और यहीं काम करेंगे। इनको इनका कमरा दिखा दो। जी मालकिन, आइए। Thank you.
आपने बताया नहीं का सोचा है हमरे बारे में? कोनो दूसरा काम सोचा है का? हाँ, हमने ये सोचा है कि तुम्हारी सेवा का समय समाप्त हुआ। सेवा टाइम समाप्त का मतलब? मतपल हम समझाते हैं। मतपल ई है, ई पकड़ो। ये रहा तुम्हारा आज तक का हिसाब किताब। जो काम तुम करते थे अब से अजय करेगा। काहे कुरुप गलती हो गई का हमसे? गलती? अरे अगर तुमसे कौनो गलती हुई होती ना तो तुम यहाँ अब तक ऐसे खड़े नहीं रहते हमारे सामने। वैसे भी नौकरों को ना ज्यादा दिन तक नौकरी पे नहीं रखना चाहिए, काहे कि वो राजदार हो जाते हैं घर के। का? अरे वाह, लाखों रुपए मिल सकते हैं। अरे अब तो हमारी जिंदगी सेटल हो गई। अरे सलीम भाई, अब सारा टेंशन खत्म हुआ भाई। बे ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है तुम्हारी? इतना कुछ तो तुम्हें पहली चोरी पे भी नहीं देखा था हमने। अरे भाई, एक अनीता नाम की विधवा है। अनीता कश्यप? हाँ, वही जो काली माता मंदिर रोड पे रहती है। हाँ। नहीं, वहाँ चोरी नहीं करेगी। अरे क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते है। अरे भाई, रिस्क के बिना इश्क और चोरी होती है क्या पगले? वो सब ठीक है लेकिन वहाँ नहीं यार। अरे क्यों नहीं भाई, बता तो सही। भाई वो औरत सही नहीं है, वो जादू तंत्र मंत्र टोना वो जानती है, वो मास्टर है इन सब चीजों में। हंस रहे हो तुम? हम तुमको जादू टोना से बचा रहे हैं, तुम हंस रहे हो हमारे ऊपर? अरे बेटा भाई, बेटा आज के जमाने में ये संभव नहीं है, और चोरी के मामले में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, और वहां जाना तो उससे भी ज्यादा असंभव है। कुछ समझ आ रहा है? हाँ सब ठीक है, हमारा मतलब सब समझ में आ रहा है। बस ये दूसरी फाइल थी, उसको हम देख ही रहे थे। बढ़िया है, ऐसे अगर कुछ ना समझ में आए ना तो हमें बता देना। और हाँ, इसे अपना ही घर समझो। जी मालकिन। अनीता जी, छबीली, छबीली, अरे कहां मर गई? ला जरा हमें टॉवल दे। छबीली, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मालकिन मैम। छबीली कहाँ है? वो छबीली नहीं थी तो मैं। मालकिन, बाद में बात करेंगे। आओ आओ। वो कुछ अकाउंट्स में प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। बताओ। बहुत बढ़िया। पता है
हमें देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा कि काम कर रहे। तुम बहुत मेहनती हो और मेहनत करने वाले ना हमें बहुत पसंद है। आगे तक जाओगे तुम? आप जैसी मालकिन हो तो गरीब लोग कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी में। बहुत संस्कारी बातें भी करते हो, अच्छे परिवार से हो, और ये सब हिसाब किताब ना सुबह देखेंगे। और बताए, मुझे बहुत बहुत थकान हो रही है, हमें नींद भी बहुत आ रही है, तो तुम जाके सो, हम भी सोते हैं। गुड नाइट। जी। हमें कोई ऐसे छुए हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना इन सब बातों का। जाओ। जी मालकिन। दूध वाला। अरे उधर काहे झांक रहा है? मालकिन नहीं दिख रही है, दिख जाए तो। तो तुम यहाँ मालकिन के दर्शन करने आते हो? हाँ, तुम जैसे मर्दों को ना मालकिन के नहीं देवियों के दर्शन करने चाहिए, ताकि कुछ सद्बुद्धि मिले। चलो दूध दो अभी। अरे तनिक थोड़ा सा और डालो, काहे कंजूसी करा है। क्या बना रही हो? हम आज आलू पालक बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बोले? हाँ बोलो, कोनो मना किया? तुम खाना बहुत ही बढ़िया बनाती हो। वो तो हम बनाते हैं। और कल रात का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। नमक मिर्ची जरा सा भी कम ज्यादा हुआ ना तो मुसीबत। मालकिन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हाँ वो तो पता है। तुम्हें कैसे पता? अभी एक ही दिन तो हुए तुम्हें आए हुए। कोनो डांट पड़ेगा? नहीं अभी तक तो नहीं। अजय बाबू थोड़ा ना संभल के रहना, मालकिन को दूसरी औरतों की तरह मत लेना। मालकिन अलग टाइप की है। हमें ना बस अपने काम से मतलब है। ये मर्दों की आंखें कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं हमें सब पता है। राजू जब से अजय आया है ना घर से निकलता ही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिलता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी घर से। देखो छबीली, अगर हम चाहते हैं कि हमारी घर गृहस्थी सेट हो तो हमें ये चोरी करनी पड़ेगी। सो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है राजू। तो फिर टेंशन मत लो, सलीम को हम मना लेंगे, उसके दिमाग में जादू टोने वाला डर है। अभी तुम जाओ अजय को संभालो और सही टाइम बता देना, फिर जो करना है वो करेंगे। ठीक है मैं करती हूँ। ये रही सौदे की लिस्ट है, जो जो सामान लिखा है सब याद से ले आना।
ये पैसे रख ले। जी। और घर का सारा काम कर दिया है? हाँ मालकिन, मैंने खाना बना के रख दिया अंदर। ठीक है जी। क्या बात है, कुछ परेशान हो का? कुछ बही खाते में गड़बड़ है। अच्छा, क्या गड़बड़ है, जरा समझाओ हमें। अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो हमारे बाजू में और हमें ठीक से समझाओ। बताओ क्या गड़बड़ है। समझाते हैं। कैसे, हमको माफ कर दो मालकिन, हमसे गलती हो गई। माफ कर दें। एक शर्त पे माफ करेंगे। शर्त? हम हर शर्त मानने को तैयार हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोई शर्त? हमारी शर्त यह है कि हमें ना तुम्हारा असली वाला प्यार चाहिए। इधर देखो, हमें वो प्यार चाहिए जो तुम्हारी आंखों में दिखता है। करोगे ना हमसे असली वाला प्यार? करोगे ना? देखो वरुण, हम जानते हैं हमारी वजह से तुम्हारी नौकरी गई है और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन भगवान कसम हमने जानबूझकर तुम्हारे पेट पर लात नहीं मारा। रोजी रोटी सब ऊपर वाला देता है, तुम्हारी गलती ना ही है, हम बस तुमको एक सलाह देंगे। सलाह? कैसी सलाह? उस औरत से जरा बच के रहना, उसके चक्कर में मत पड़ना, बाद में दुख होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? शुरुआत में उसे देखकर मन ललचाएगा, तुम्हारी आंखों में वासना और प्यार एक साथ जागेगा, फिर एक दिन करीब जाओगे, वो दूर भगाएगी, बड़ी सावित्री बनेगी, बाद में भेद खुलेगा कि वो मर्द के शरीर की कितनी बड़ी भूखी है। हमारे साथ भी गुजर चुका है। हम नौकर हैं आपके और आप मालकिन। ऐसा मत कहो, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। कल को अगर हमको आपसे प्यार हो गया। प्यार? अरे यही तो हमें चाहिए, बहुत सारा प्यार। करोगे ना?
आप तो कहती थी आप पसंद करती हैं हमको, फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हमको बाहर कर रही? जी भर गया हमरा तुमसे, प्यार करने लगे थे आपसे। अरे तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें ना दिल के प्यार की भूख है ही नहीं, हमें चाहिए जिस्म का प्यार। हम तो प्यार करते थे उससे, हमको क्या पता कि लोगों का प्यार से भी जी भर सकता है। हमको लगता था ऐसा सिर्फ हमरे साथ हुआ है, बाद में पता चला हमरे पहले भी दो तीन और आए और गए। बगल के गांव का गंगा, हरिपुर गांव का सूरज, न जाने कितने आए और कितने गए। तुम्हारा चेहरा देख कर लग रहा है तुम्हारे साथ भी स्टोरी स्टार्ट हो गई है। चलते हैं, बस इतना कहेंगे संभल कर रहना। इसकी बात तो सच्ची लग रही है, हमको अनीता के दलदल से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। तुम्हारे ही मजे हैं, हमेशा नए नए मर्द नौकर बनाकर घर पर बुला लेती है और पति की तरह। हाँ और एक हम हैं जिनके पति 6 महीने से परदेश में हैं, अपना तो नसीब ही खराब है। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, अरे ये तो खुशी की बात है पागल। आज रात तुम्हारी किस्मत का ताला हम खोलेंगे। हमारी किस्मत का ताला तुम कहाँ से खोलोगी? तुमने वो सुना होगा ना जिसमें 2 औरतें 1 मर्द या 2 मर्द 1 औरत, अरे जो आपस में करते हैं, बोल तू मैं और अजय। अगर वो क्या है? मगर अगर कुछ नहीं, बोल आज रात मैं भी जमाऊं, तू मैं और अजय। अजय है तो बड़ा जोरदार, सिर्फ जोरदार नहीं जानदार भी है। अबे चोरी करने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन घर गलत सुन रहे हो आप लोग, वहाँ जादू टोने वाला चक्कर है। वहाँ पे कोई जादू टोना नहीं होता है, पूरा गांव बोलता है, कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे नहीं बोल रहे होंगे लोग। अरे ये अफवाह हमने ही गांव में फैलाया है। क्या? हाँ गांव में अफवाह हमने फैलाया है मालकिन के कहने पर, ताकि उस बंगले पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। देखा ये सब कारनामा हमारी छबीली का है। अब बहुत देख यार जो भी हो, लेकिन मेरा मन कह रहा है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो तू नहीं आएगा? ठीक है मत आ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। मालकिन आपने बुलाया? कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे आप इतनी सजी हुई क्यों हैं आज? तुम्हारे लिए। अच्छा सुनो, हमारी एक बात मानोगे, मना तो नहीं करोगे? हुकुम कीजिए मालकिन। पता है आज हम कुछ सोच रहे हैं, आज रात ना हमारी एक सहेली आ रही है, तो हमने सोचा क्यों नहीं तुम, हम और वो, मतलब हम तीनों मिलके थोड़ा कुछ मजा जा करें। ये क्या मजाक कर रही हैं आप, हम उस टाइप के नहीं है। किस टाइप के? हम तो बड़ा प्यार लुटाते हो। क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। पर शीला तुम्हें पसंद करती है, बहुत पसंद करती है, तो हमारी खातिर। अरे हमारी बहुत अच्छी सहेली है, सिर्फ एक बार हाँ कर दो हमारी खातिर। हाँ
बस आज रात की बात है, सुबह भोर होते ही हम भाग जाएंगे। इसकी बात मानना ही पड़ेगा। जी वाले, दूसरे कमरे पे सारा गहना लगता पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, चुपचाप जल्दी से काम कर लो। हेलो, ठीक है, मैं इंस्पेक्टर राणा, केस को फॉलो करता हूं। खान। यस सर। काली मंदिर रोड पर रहने वाली अनिता कश्यप के घर चोर घुसे हैं, हमें निकलना होगा। टीम रेडी करो। यस सर। सर, फोन पे कुछ बताया था कि कितने आदमी हो सकते हैं? नहीं, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते। कम ऑन। कंट्रोल रूम में आपने फोन किया था? हाँ, हम ही फोन किए। चोर कहाँ है और कितने हैं? पांच चोर हैं और उन चारों को हम उस कमरे में बंद कर दिए। चारों को बंद किया है, अभी आपने पांच कहा। हाँ तो उनका एक साथी उधर मारा गया ना। लेकिन ये मरा कैसे? लूट के पैसे को लेके इन पांचों के बीच में कुछ हाथापाई हुई और उसी झड़प में उन चारों ने इसे मार डाला। और उसी झड़प में इनका चाकू गिरा और जैसे तैसे करके मैंने उनको एक एक करके उस कमरे में लॉक कर दिया। वो उस रूम में है, आइए ना। चलिए। हाँ। नहीं कोई भी। साहब, इस औरत ने मेरे दोस्त को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको सच्चाई बताते हैं, ये हमारा घर है और ये जो छबीली है ना, ये हमारी नौकरानी है और ये सब इसके साथी है और इसे पता है कि मैं हम अकेले रहते हैं इस घर में। पता नहीं कैसे इन सब लोगों ने मिलकर हमारे घर में घुसा है और फिर ये हमारी अलमारी तोड़ी और जो कुछ भी पैसा जेवर जो भी मिला ना सब लूट लिया। और फिर पता नहीं अचानक आपस में जब ये लोग बांट रहे थे झगड़ा हुआ और फिर इनका जो पांचवा साथी है ना उसको इन लोगों ने मार दिया। वो तो अच्छा हुआ जैसे तैसे इनका चाकू हमारे हाथ में आया और फिर हमने एक एक करके ना इन्हें लोगों को इस तरह से लॉक कर दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये इतनी झूठी है ना, इतनी झूठी औरत आपने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हां सर, ये झूठी है, बहुत बड़ी झूठी है। अरे चुप। सुनो, आप सबको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। खान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पूरा घर स्कैन करो, इन सब के फिंगरप्रिंट लो और आप सब इनको पकड़ो, लेके चलो इन सबको। तो हमने कुछ नहीं किया। हाँ तो क्या कह रहे थे? साहब, पुलिस को हम ही फोन किए थे। तुम ही फोन किए थे? हैं?
अपने दोस्त को चोरी करने भेजते हो ताकि फंसे तो वो फंसे। और माल के बंटवारे के वक्त पूरा माल हड़पने के चक्कर में अपने दोस्त को ही पूरा कर दिया। देख अजय, राजू के मर्डर के बारे में जो जो जानता है सब सच सच बता दे, समझा? कितनी बार बताऊं सर, राजू का खून किसी और ने नहीं बल्कि अनिता ने किया, वो भी मेरी आंखों के सामने। पुलिस को बेवकूफ समझ रखा है, है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर, सर कंट्रोल रूम में जो मैं फोन आया था वो किसी महिला का नहीं आदमी का था। क्या? सलीम ने ही मैं फोन किया था। इसका मतलब अनिता ने हमसे झूठ कहा है कि वो फोन उसने किया है। यस सर, अनिता हमसे झूठ बोल रही है। ठीक है, फिर मैडम की कहानी उनके ही मुंह से सुनते हैं। उठाओ उसे। बैग इधर, छोड़ो हमको। अरे तुम लोग इतनी जुर्रत कि हमको यहाँ लेकर आए? तुम जानते हो ना कि हम कौन है? मैडम सब जानते हैं आप कौन है। बेहतर यही होगा कि राजू के मर्डर के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं सब सच सच बता दें, समझी? अरे और क्या क्या पता है, जो कुछ हमको पता था हमने सब कुछ तो बता दिया। देख अनिता, तू पूरी तरह फंस चुकी है, भलाई तेरी इसमें है कि सब सच सच बता दे वरना। हम सब कुछ सच सच बताते हैं आपको। हमको कोनो भी हमारे बिना मर्जी के हाथ लगाए ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और उस दो कोड़ी के राजू ने हमें छोड़ मैं हाथ लगाया, इसने मार दिया उसे। मेरे पास मत आना, मेरे हाथ में चाकू है। हमको कुछ मत करो, तुम्हें जो चाहिए ना ले लो अंदर से, पैसे से जो लूटना है लूटो। मुझे पैसे भी चाहिए और तुम भी चाहिए, बस एक बात। हम तुम्हें पसंद है तो पहले इसे नीचे करो, नीचे करो ना। वैसे तुम भी अच्छे गबरू हो, लाओ चाकू दे दो हमें, प्यार में चाकू का क्या काम। भगवान, ये कौन आ गया? पकड़ो, पकड़ो इसे।
अरे अनीता हमें ना माफ कर दो, हम ना थोड़ा सा देर हो गए, आज हम इतने खुश ना तुम्हें पता नहीं है तो। अरे शिक, अनीता ये कौन है, ये मर कैसे गया? अनीता, अजय ने, हमने मारा, हमने कहा मारा इसको, तुमने मारा है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, चाकू तो तुम्हारे हाथ में, तुमने मारा। अरे ये क्या, हमने तुमने लगा रखा है खून, अनीता खून। लेकिन अनीता इसने इसको मारा क्यों? अरे क्योंकि ये चोर है, इसने तो अजय ने इसे मार दिया। अनीता देखो ऐसा करते हैं, हम ना पुलिस को फोन करते हैं। नहीं नहीं पुलिस बोलो इसे। एक मिनट, हम ना एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं ना पुलिस को मत बुलाओ, नहीं सुनोगी, चलो चलो चलो, हम तुम्हें भी लॉक करेंगे, चलो। और तुम घर जाना है ना, चलो चलो शीला। अरे हमारा दिमाग नहीं चल रहा, चलो तुम भी। शीला हमको गुस्सा मत दिलाओ, तुम चुप रहो, मार देंगे हम सचमुच, अंदर चलो जे शीला। नहीं, तो साथी है ना, सब एक एक करके आ रहा हूँ, चल निकल, चल वरना तुझे भी मार दूंगी, चल चल, खोल दरवाजा, अंदर। हम राजू को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन जब उसने हमें छुआ ना, पता नहीं हमें क्या हो गया अचानक। Thank you.